एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। आर स्मिता के फेस्टिव ब्लॉग आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पर स्वागत करती है। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। हो चुकी है सुबह और हम बना रहे हैं अपने किचन में चाय। चाय बनाने से पहले भी कुछ काम, झाड़ू पोछा वगैरह, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लेट हो जाता है। सुबह तो सबसे पहले चाय ही बनती है, तो हम बना रहे हैं चाय। चाय बनाने के बाद देखते हैं और क्या क्या करेंगे। अदरक वाली चाय है और ये बीच में मेरा बेटा आ गया पानी मांगने के लिए। वो सुबह सुबह गर्म पानी पीता है, तो उसके लिए तुरंत पानी गर्म किए, उसको पानी दे दिए और फिर दूध भी आ गया है। मतलब इतना लेट हो चुका है, इतना लेट क्या, 7 बज जाता है, 7 बजे दूध मेरा आता है, तो चाय भी बन गई है। ये 2 कप चाय, दोनों कप चाय हम ही पीते हैं। 2 कप चाय हमेशा से बनाने की आदत है मेरी, तो इसलिए अभी भी 2 कप ही बनाते हैं और 2 कप चाय हम ही पीते हैं आप सबके साथ में। आ जाइए आप सभी, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे साथ मॉर्निंग टी पर। चाय पीकर बताइए चाय कैसी बनी है। और अब मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी वॉइस थी, बट जो वॉइस थी उस पर बहुत ज़्यादा बाहरी आवाज़ आ गया था, रोड पर का, सड़क पर का, गाड़ी का, तो इसलिए उसको हम म्यूट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों का अपने किचन में वेलकम कर रही हूँ हमेशा की तरह। क्या बोले हैं यहाँ पे, हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे जिसका नाम है आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरह से हम वीडियो का बहुत दिन के बाद शुरुआत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोशिश किए हैं, एक कोशिश है हमारी फिर से पहले की तरह वीडियो बनाने की, तो आप लोग बताइएगा कैसा हुआ। हिम्मत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है कैमरे के सामने आने की। और हम नाश्ते में बनाए हैं खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, तो खिचड़ी बन गई है, उसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो इसके लिए तेल गरम कर लिए हैं कढ़ाई में और इसमें थोड़ी सी जीरा, हरी मिर्च, प्याज का तड़का लगा दिए हैं और थोड़ा सा टमाटर। टमाटर जब गल जाएगा तो इसमें खिचड़ी हम पलट देंगे। आज बच्चा बोला कि माँ खिचड़ी बना दी, उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बताया था ना थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी हल्की सी, तो उसको कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो खिचड़ी बोला बनाने के लिए खिचड़ी बना दीजिएगा, तो हम बोले ठीक है खिचड़ी बना देंगे। तो सुबह का यही हो गया हम लोगों का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी, आज घर पे था तो इसलिए, अगर बाहर जाना होता तब तो कुछ इधर उधर का सामान बनता। तो ये है हम लोगों का नाश्ता, ब्रेकफास्ट खिचड़ी, आप लोग भी खा लीजिए चिप्स और खिचड़ी। और अब हम बना रहे हैं लंच। लंच में हम बना रहे हैं भिंडी की कलौजी। तो भिंडी आया था बहुत ज़्यादा घर में, तो रोज़ रोज़ आजकल कभी भिंडी कुछ, कभी भिंडी की कुछ बनाए थे, पर उन सबको हम उतना ज़्यादा सूट नहीं किए, बहुत जल्दी जल्दी बन गया, कभी 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 रूटीन नहीं रहा इसलिए। लेकिन आज मैं कलौजी बना रही हूँ तो इसलिए इसको हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका मसाला नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसका मसाला हम पहले से बना के रखे हैं और मेरे कई वीडियोज़ में कलौजी का मसाला है, और फिर से हम शेयर कर देंगे। ऐसा नहीं है, है तो कोई बात नहीं, फिर से हम शेयर कर देंगे, पर ये था तो मुझे बनाना नहीं था, तो फिर हम शेयर कैसे करते। और कलौजी बनाने का मन था तो जो मसाला था उसी को हम इसमें भर देंगे। पचफोरन भूज करके बनता है कलौजी का मसाला, सभी को पता है, तो उसको काट करके उसमें मसाला भर के अब हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से फ्राई पैन में। किसी भी चीज़ की कलौजी इसी तरह से बनती है और क्या, इसमें पचफोरन को भूंज करके उसको पीस लिया जाए, उसमें जो है खटाई, लहसुन, मिर्चा, ये सबको मिक्स करके एक साथ एक साथ पीस करके मिक्स करके रेडी कर लेंगे। फिर जो भी चीज़ का कलौजी बनाना है उसको इस तरह से थोड़ा सा धो करके, सुखा करके, साफ़ करके, फाड़ फाड़ करके बीच से काट के और उसमें मसाला भर देंगे। मसाला भरने के बाद थोड़ी देर रख देना चाहिए, उससे खूब अच्छी तरह से भीन जाता है, और उसके बाद फिर इस तरह से फ्राई कर लिया जाए। तो इसको बीच में पैन में रखने के बाद, हम बीच में भी एक दो बार चलाए थे तो उतना उसको नहीं लिए, लगाए थे इसमें वीडियो में हम एडिट किए थे, बट बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई थी, तो इसका हम शुरू का दिखा दिए और लास्ट का दिखा दिए कि बनने के बाद ऐसा हो गया है और ये बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पर हम चावल नहीं बनाए अभी,
मतलब दोपहर में नहीं बनाए, बेटा बोला कि हम नहीं खाएंगे, तो हम ही लोग दो ही लोग इस समय हैं ही घर पे, तो हम बोले चलो शाम को, तो ये हम मूंग की दाल भिगोए हैं, तो शाम को बना रहे हैं मूंग की दाल की कढ़ी और चावल, और कलौजी बना हुआ है ही, यही हो जाएगा। ये है मूंग की दाल, इसको भिगो दिए हैं, भिगो करके खूब अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, साफ़ करके इसको हम पीसेंगे। और ये है थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी मिर्चा, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी मिर्चा, दो मिर्चा, प्याज और अदरक, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये है मिर्चा, हरी मिर्च, और थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब इस मूंग की दाल को हम पीस लिए हैं, इसका बैटर तैयार कर लिए हैं। और इसमें थोड़ी सी मिक्स करेंगे जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी नमक नहीं, मतलब टेस्ट अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत है उतना नमक, एक साथ इसको मिक्स कर देंगे। मूंग के दाल में ज़्यादा मसाला नहीं मिक्स करेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं बनाएंगे, सादा बनाएंगे, सिंपल सा। और ये कढ़ी, मूंग की दाल की भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर आप लोग, हम बना रहे हैं तो आप लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, बट एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मूंग की दाल की भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही बनेगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो सुबह आज मूंग की दाल के अभियान था, सुबह मूंग की दाल की खिचड़ी बनी और शाम को मूंग की दाल की कढ़ी बन रही है। दोपहर में तो कुछ मतलब वही सब हो गया, नाश्ता ही लेट से हुआ था, तो क्या खाना, भूख ही नहीं लगी, तो फिर नहीं हुआ, नहीं बनाए, बना कर रखने से क्या फ़ायदा, तभी बनाते हैं जब खाना होता है, खाना होता है तो तुरंत बनता है, तुरंत बना के तुरंत खा पी लो, रखने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। और इस तरह से इसको हम इसका बड़ी निकाल लेंगे, मतलब इसकी पकौड़ी बना लेंगे। और मूंग की दाल ना चिपकता नहीं है, देखिए कितना अच्छा, जैसे उड़द की दाल होता है, अभी एक दिन पहले हम उड़द की दाल की भी कढ़ी बनाए थे ना, तो वो बहुत चिपकता है, पर मूंग की दाल बिल्कुल अलग अलग रहता है, चिपकता नहीं है। और इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी सी फ्लफी सी फूल जाती है, इसकी भी एकदम मुलायम सॉफ्ट क्रिस्पी बनती है, बहुत अच्छा होता है मूंग की दाल की पकौड़ी और कढ़ी भी। और इसका भी दही बड़ा बनता है, मूंग की दाल का भी दही बड़ा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और अब हम पकौड़ी फ्राई कर लिए, तल लिए, तो उसमें जो तेल बचा था थोड़ा सा निकाल दिए, कम कर दिए, और उसमें जीरा और मिर्चा का तड़का, थोड़ी सी हींग का तड़का लगा दिए, और उसमें जो हम पेस्ट तैयार किए थे प्याज लहसुन मिर्चा अदरक का, वो पेस्ट ऐड कर दिए, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको एक साथ हम भून लेंगे खूब अच्छी तरह से, उतना पानी ऐड किए थे, सब सूख गया, अब ये खूब अच्छे से भून गया है। और ये दाल को हम मतलब फेंक लिए हैं, घोल बना लिए हैं जो बैटर बचा था, और ज़्यादा दाल नहीं रहेगा, बैटर जो है ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, और उसका घोल इस तरह तैयार करेंगे। और मूंग की दाल की कढ़ी तो और गाढ़ी होती है, इसलिए कम ही रखना चाहिए, और ठंडी हो, जितनी ठंडी होगी उतनी गाढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से बनाना चाहिए कि हमें खाना कब है, तुरंत खाना है या देर से खाना है। अगर देर से खाना है, मतलब अभी बन रहा है और एक दो घंटे के बाद खाना है, तो उसको कप पतला रखना चाहिए, वो ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा थिक सा एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा। और अगर तुरंत खाना है तो उसके हिसाब से बनाइए, मतलब जैसा का, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा पतली रहती है तो नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी गाढ़ी ही रहती है, तभी वो चावल में या रोटी में लपेट सकते हैं उसको, उसमें मिक्स हो सकता है। और अब हम इसमें दही मिला देंगे, और मूंग की दाल की कढ़ी में अगर दही ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे उसमें हम ऑप्शन बताए थे ना कि नींबू या कुछ भी, पर मूंग की दाल में दही का ज़्यादा टेस्ट आता है अच्छा, वैसे नींबू भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। और अब इसको हम खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, जब तक ये खौलने नहीं लगेगा, मतलब खौलने लगता है, पकने लगता है, बुलबुला आने लगता है इसमें से, तो ये पक जाता है। और कढ़ी पकने में ज़्यादा लेट नहीं लगता, 5 मिनट पक जाती है, बुलबुला आने लगता है, खौलने लगता है, तो कढ़ी पक गई। और इसे मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि रात का समय है और हम लोगों को तुरंत ही खाना है, तो ज़्यादा पतला करके क्या करेंगे, बच भी गई थी। और अब इसमें हम पकौड़ी ऐड कर देंगे, पकौड़ी ज़्यादा ऐड नहीं किए, सिर्फ 4-6 ऐड किए, और सूखा रहेगा तो बच्चा मेरा सूखा भी खाता है, इसमें पकौड़ी कढ़ी के ऐड, कढ़ी में भीगा हुआ पकौड़ी से वो ज़्यादा सूखा खा लेता है, तो इसलिए इतना रख दिए हैं, उसका मन होगा तो सूखा भी खा लेंगे। ये था मेरा दिन भर का रूटीन वर्क, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये डिनर आप सबके लिए है, आप लोग भी खा लिए मूंग की दाल की कढ़ी, चावल, भिंडी की कलौजी, पकौड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।